हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेश कुमार, आप लोग का अपना दोस्त। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल DRX इन्फॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पेशली वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस दवा के बारे में बताने जा रहे हैं उस दवा के बारे में जानना सबके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। 3, 2, 1। दोस्तों, हम बात करेंगे डॉक्सिलामाइड सक्सनेट एंड पाइरिडॉक्सिन टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का मार्केट में कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, इसकी कैटेगरी क्या है, इसके यूजेज क्या है, कौन कौन सी बीमारियां में इसको यूज करते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है और इसके डोजेज क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों दवाइयाँ एक ही साथ क्यों दी जाती है, और सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में इसका कौन कौन सा ब्रांड अवेलेबल है। बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में इसका ये ब्रांड मिल जाएगा, प्रेगनेडॉक्सिन नाम से बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये दवा डॉक्सिनेट के भी नाम से मार्केट में इजली तरीके से अवेलेबल है। इस बात करते हैं इसके कैटेगरी के बारे में, इसकी कैटेगरी क्या है। तो इसकी कैटेगरी है दोस्तों एंटी इमेटिक कैटेगरी। एंटी इमेटिक कैटेगरी में वो दवा आती है जिस दवा का प्रयोग उल्टी के इलाज के लिए किया जाता है, वो दवाइयाँ एंटी इमेटिक कैटेगरी में आती है। अब इसके यूजेज के बारे में बात करते हैं। इसका जो यूज है, इसको मॉर्निंग सिकनेस में यूज करते हैं। मॉर्निंग सिकनेस मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मिचली आना या उल्टी होती है तो इस दवा का प्रयोग उसमें करते हैं। और इस दवा को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में भी रखा गया है मॉर्निंग सिकनेस में। प्रेगनेंसी के दौरान इस दवा को लेना सेफ। अगर आप लोग कई दिनों से ये दवा यूज कर रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट भी दिखेगा। सबसे पहले जो इसका साइड इफेक्ट है, ड्रॉस, आलस आना या थकान होना, मुंह सूखना, चक्कर आना, एब्डोमिनल प्रॉब्लम होती है जैसे कि पाचन क्रिया आपकी सही नहीं रहेगी और पेट दर्द करेगा, ये सब प्रॉब्लम होती है इस दवा को ज़्यादा दिन तक यूज करने में। अगर इस तरह का लक्षण आप लोगों को दिखाई देता है तो आप डॉक्टर या तो फार्मेसी से तुरंत संपर्क करें। अब इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं। इसका जो एडल्ट डोज है 10-20 mg एट द बेड टाइम, मतलब रात में सोते समय 10-20 mg इसको ले सकते हैं। और अगर आप सुबह में आपको प्रॉब्लम होती है, दोपहर में प्रॉब्लम होती है तो आप इस दवा को सुबह में या दोपहर में भी ले सकते हैं। जो कम्बिनेशन है इसका अपना अलग अलग रोल क्या है, ये दोनों हम क्यों देते हैं, तो ये हम बताने जा रहे हैं। डॉक्सिलामाइड सक्सनेट जो है ये एंटी हिस्टामिन ड्रग है। एंटी हिस्टामिन ड्रग हमारे बॉडी में कुछ नेचुरल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिससे कारण से हम लोग को उल्टी होती है। और ये जो होता है डॉक्सिलामाइड, ये एंटीहिस्टामिन होने के नाते ये उस रिलीज को ये ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, जिससे कि वो रिलीज होना बंद हो जाता है और उल्टी से राहत मिल जाती है। पाइरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन की दवा है, विटामिन B6 की दवा है। हमारे बॉडी में पाइरिडॉक्सिन की कमी होने से मिचली आना उल्टी होती है और ये दवा उस कमी को पूरा करता है जिससे कि उल्टी या मिचली से राहत मिल जाती है। तो हमारे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।